एवरीवन, कैसे हम सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के बारे में। वन इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट आज इस हद तक पहुंच चुकी है, इस लेवल तक आ गई है, हम इसको एज अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। इतने सारे फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के आ चुके हैं, जैसे नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, पता नहीं कौन कौन से इतने सारे फ्रेमवर्क है जिनके ऊपर करंटली काम किया जा रहा है। जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को सीख लेते हैं ना, देन आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने चाहिए एज अ बिगनर, अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट को सीखने के लिए आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, वो मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी इतनी ज्यादा बड़ी है, आप कुछ भी सोचेंगे ना वही चीज आप जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं। आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स में जा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के एनिमेशन की लाइब्रेरी अलग से है, 3D एनिमेशन बना सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है ना वही चीज आप क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ। इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की लाइन में आते हैं ना, तो इसको सीखना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा जावा स्क्रिप्ट का सिलेबस, इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है जावा स्क्रिप्ट की। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपने ऐड करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना होता, आपने गो थ्रू होना होता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट है क्या, किसके लिए इसको यूज करते हैं, कब लॉन्च हुई थी, एडवांटेजेस फीचर्स ये आपने इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री क्या होती है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक टाइटल ऐड किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने क्या क्या स्टडी करना है, इसके वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स के साथ कैसे काम करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज करते हैं, इनके साथ वर्किंग करनी आनी चाहिए। ये जस्ट एक लाइन का टॉपिक है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने कंप्लीट सीखना है। तो ये बेसिक है, इसका अंडरस्टैंडिंग करनी है, कितने कौन कौन सी हम इसमें स्टेटमेंट लगाते हैं जिसको हम कंडीशनल बोलते हैं, कौन कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट यूज की जाती है, इफ इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट हो गई, लूप्स कैसे यूज करते हैं, व्हाइल अगर यूज करते हैं कैसे करते हैं, डू व्हाइल हम कैसे यूज करते हैं, ये सब आपने स्टडी करना होता है। उसके बाद आते हैं फंक्शंस एंड स्कोप्स, फंक्शंस क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन का स्कोप क्या होता है, एक फंक्शन का स्कोप कहाँ पे खत्म होता है, तो इसको क्रिएट करके हम इसको कॉल कैसे करते हैं, ये सब फंक्शन के साथ काम करना आना चाहिए। बेसिकली मैं जहाँ पे बताऊँ ना, सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के जब हम काम करते हैं ना, फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, वेरिएबल्स जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, डेटा टाइप के साथ काम करते हैं, फंक्शंस के साथ काम करते हैं, इस फील्ड को आपने बहुत ही अच्छे से सीख लेना है। उसके बाद आता है वर्किंग विद डेटा। अब डेटा के साथ कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक आपने कवर करने हैं, सबसे पहले एरे के साथ काम कैसे करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट में। एरे के साथ हम काम करते हैं, जब आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने ना, देन एरे के साथ ही ज्यादा काम करेंगे हम। एरे कैसे क्रिएट करते हैं, उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इटरेशन मतलब लूप्स कैसे लगाते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। जहां पर कौन कौन से मेथड मैनिपुलेशन हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में डेटा के साथ काम करने के लिए, जो सब हमारे लिए कंपलसरी मेथड है जो आपने स्टडी करने होते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड यूज होते हैं, बहुत सारे मेथड, ये सब मैंने पहले ही करवाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से भी सीख सकते हैं। लेट कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे लेट लगेगा कहाँ पे कॉन्स्ट लगेगा ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डॉम बोलते हैं। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट का। इसमें आपने क्या क्या सीखना होता है, सबसे पहले तो डॉम होता क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं, डॉम को यूज कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। इवेंट हैंडलिंग डॉम के अंदर ही आता है, इवेंट्स क्या होते हैं, मैं क्लिक कर रही हूँ बटन पे, कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, कोई इवेंट हमने कोई इनपुट फील्ड लगाई है उसमें से डेटा गेट करना है, इवेंट हो गया, कोई हमने माउस मूव करना है, माउस क्लिक करने पे कोई इवेंट परफॉर्म करना है, ये सारे के सारे इवेंट होते हैं जी आपको आने चाहिए। कीबोर्ड के साथ काम करना है, कीबोर्ड को आपने अपनी कोडिंग के साथ कैसे अटैच करना है, यहाँ पे कोई भी हम की प्रेस करेंगे कोडिंग में उसकी वर्किंग कैसे होगी, जो सारे के सारे इवेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, इन इवेंट पे काम कैसे करेंगे, इवेंट हैंडलिंग में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद डॉम में आपने सीखना होता है सेट टाइम आउट सेट इंटरवल कॉल बैक क्या होता है, जो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं सेट इंटरवल सेट टाइमिंग, हमने टाइमिंग लगानी होती है 1 सेकंड 2 सेकंड, वो सब आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगेगी कैसे लगेगी सेट इंटरवल, यहाँ पर आपको इन दोनों पे ज्यादा काम करना नहीं है, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल कॉल बैक इसके साथ का ही है, इसको भी आपने सीखना है।
उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड स्कोप। स्कोप के अंदर हम देखेंगे कोई भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, एक फंक्शन का स्कोप होता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि एक ब्रैकेट स्टार्ट करके जहां पे खत्म होगी उसके बाद दूसरा कोड लगाएंगे, वो एक स्कोप होता है। एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट एक स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट एक एंड होती है, स्टार्ट से लेके ब्रैकेट के एंड होने तक वो इसका स्कोप रहेगा। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए एक फंक्शन का स्कोप कितना रहेगा। उसके बाहर अगर हम कोई कोडिंग लिखते हैं या कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस फंक्शन के अंदर, हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे, तो इसको हम फंक्शन स्कोप बोलते हैं। स्कोप एंड क्लोजर आपने इसमें सीखना होता है। यहां पर कॉल बैक आपने सीखनी है, फंक्शन के बीच कॉल बैक किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। एरो फंक्शन एंड, अब एरो फंक्शन हम तो हर बार यूज करते हैं, इवन बहुत ही ज्यादा डेली के डेली हम यूज करते हैं एरो फंक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको आप यूज कैसे करते हैं, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे देन आपकी कोडिंग के साथ क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है एडवांस जावास्क्रिप्ट। ये तो हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट थी, लेकिन जहां पर ये मतलब नहीं कि आप ऊपर वाला सिर्फ सिलेबस सीख ले ये वाला स्किप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस का मतलब है कि अगर आपने बेसिक कर लिया अब आपने एडवांस की तरफ मूव होना है। ये टॉपिक आपको आने ही चाहिए जो एडवांस में हमने ऐड किए हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली एडवांस में क्लासेस कैसे यूज करते हैं, इनहेरिटेंस मतलब ऊप्स के साथ काम करना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपको काम करना आना चाहिए, इनहेरिटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेस को कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी के बीच आता है मेरे पास एरर हैंडलिंग। ट्राई कैच के साथ काम करना आना चाहिए आपको, कोई भी एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूलर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये एडवांस में आता है। उसके बाद असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। असिंक्रोनस में देखो क्या हमारे पास आएगा। सबसे पहले तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम करते कहाँ पे यूज है, इसको यूज कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। इस चीज को बेसिकली हम यूज करते हैं एपीआई के साथ। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने एपीआई के क्रिएट कर रखे हैं, मेरी 100 डे जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा आपको एपीआई प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वहां से आप इसको कंप्लीट सीख सकते हैं। वो एडवांस जावास्क्रिप्ट है जिसके बीच हम देखते हैं कि सबसे पहले तो असिंक्रोनस को हम कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद क्रिएट करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं, ये सब हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद असिंक्रोनस और अवेट ये दोनों को हम यूज कैसे करते हैं, तो ये सब मैंने हर एक प्रोजेक्ट में करवाया हुआ है। उसके बाद बारी आती है एपीआई के साथ डेटा फेच करना है कैसे करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स लगेंगे डेटा फेच करने के लिए, रिस्पांस कैसे आएगा, रिस्पांस को आपने शो कैसे कराना है, हैंडल कैसे करना है, उसमें जो डेटा आएगा उसको आपने शो कैसे करना है, ये सब एपीआई के कॉन्सेप्ट है, आपको ये क्लियर होने चाहिए। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको आपने कवर करना ही है। उसके बाद हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। कौन कौन से फ्रेमवर्क है वहां पर आप इनके ऊपर काम तो कर ही रहे हैं आजकल, रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, नोड जेएस, ये सब इसके फ्रेमवर्क्स हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इन पे काम कैसे करना है। नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, इसके साथ काम कैसे करना है, तो ये हमारे सर्वर साइड डेवलपमेंट है, मतलब बैकएंड के लिए हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पैकेजेस कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जब आप टर्मिनल के साथ काम करते हैं ना, आप अगर npm यूज करते हैं तो आप इनके साथ काम कैसे करते हैं, कौन कौन सी कमांड होती हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी वेबसाइट बनाई है जावास्क्रिप्ट में, उसको टेस्ट करने की बारी आती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, देन आपको जावास्क्रिप्ट की A to Z तक हर एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। उसी में टेस्टिंग भी आता है। टेस्टिंग में आप चेक करते हैं जो भी आपने वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बनाया है जावास्क्रिप्ट को यूज करके, क्या वो एक्चुअल में वर्किंग में है कि नहीं, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा जो हमें चाहिए एक्चुअल में उस सॉफ्टवेयर को लेके, तो ये सब पॉसिबल होता है टेस्टिंग के साथ। तो मैंने जहां पर ऐड किया है टेस्टिंग, आप इन मेथड्स के साथ सीख सकते हैं। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बारी आती है वर्किंग प्रोजेक्ट। मैं आपको फोर्सफुली रेकमेंड करूंगी कि आप एक प्रोजेक्ट जरूर बनाओ, वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को देख के ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि आपने एक्चुअल में कुछ ना कुछ मेहनत की है, आपको एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट आती है। आप उनको बोल के एक्सप्लेन करके कुछ बताएं अपने बारे में, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके अपना प्रोजेक्ट शो कराओ कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें ये वर्किंग है। तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोजेक्ट खुद बोलेगा। इस हद तक आपने, इस लेवल तक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जहां पर प्रोजेक्ट को आप कंपल्सरी रख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट अगर आप बना लेते तो एक ही काफी है। तो वैसे आप प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट डेली के डेली बना के प्रैक्टिस जरूर किया करो, तभी आप कोडिंग सीख पाएंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दो रेकमेंड करूंगी आइडियाज जिसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो को बनाओ, अपना प्यारा सा अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के उस पर अपने सारे प्रोजेक्ट ऐड करो। छोटे छोटे जैसे भी प्रोजेक्ट आपने बनाए ना वही ऐड करो,
उसके बाद एक गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएट करो। अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते तो गिटहब का जरूर एक रिपोजिटरी अपनी क्रिएट करो। मैं जैसे डेली के डेली प्रोजेक्ट बनाती हूँ, सारे के सारे गिटहब की रिपोजिटरी पे ऐड कर देती हूँ। मेरे पास 200 से 300 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अगर ऐसी रिपोजिटरी आप इंटरव्यू में जाकर शो कराते हैं ना, उनको देख के समझ आ जाएगी आपने कुछ ना कुछ मेहनत की है। डेली के डेली आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं तो आपकी इंटरव्यू वैसे ही क्लियर होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो गिटहब की रिपोजिटरी आप जरूर क्रिएट करो, डेली के डेली अपडेट करो, छोटे छोटे बेशक प्रोजेक्ट बनाओ लेकिन कुछ ना कुछ जरूर अपडेट करते ही रहो। तो इंटरव्यू में जाके आप इस रिपोजिटरी को डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि हमने ये काम किया है। जब पूरे का पूरा जावास्क्रिप्ट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप 2-3 वेबसाइट यूज कर सकते हैं, W3 School या फिर गीक्स फॉर गीक्स। उसके अलावा आप मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं, बेसिक भी सीख सकते हैं, एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रखे हैं वो भी आप क्रिएट करना सीख सकते हैं। और जो वेबसाइट मैंने बताई है वहां पे आपको पूरे का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आप वहां से बिना एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं, जिधर से भी आपको ईजी लगे वहां से सीख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए।